हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज की एम क्लास में लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इस एमसीक्यू में किस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया वो डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको बता दूं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आगे के आने वाले एग्जाम्स में जो लाइब्रेरी साइंस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जैसे NTUEC नेट, GRF सेट, DSSB, KVS, NSP, NVS, इनके एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक्स जो है मैंने आपको छोटा सा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया है वो मैं आपको बताऊंगा और आगे के अपकमिंग एग्जाम्स में इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। क्या है आज का क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ IAAS? निम्नलिखित में से कौन सा IAAS का उपयुक्त उदाहरण है? पहला ऑप्शन है यूकेलिप्टस, दूसरा है ओपन नेबला, थर्ड है फेसबुक एंड डी है माइक्रोसॉफ्ट एजर। अब आपको सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि IAAS क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, किस तरह के, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फोर्थ नंबर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब जो फोर्थ A, B और D। ए मतलब यूकेलिप्टस और बी मतलब ओपन नेबला और माइक्रोसॉफ्ट एजर। ये क्या है? IAS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। IAS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का जो एग्जाम्पल है यूकेलिप्टस, ओपन नेबला ऑफ और माइक्रोसॉफ्ट एजर, इसके आपके उदाहरण है। अब आपके समझ में जाना चाहिए कि ये सारे जो सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। अब एक एक करके इन चारों एग्जांपल्स को देखते हैं, चारों जो टाइप्स बताए थे A, B, C, D, इनको एक एक करके थोड़ा सा इनका डिटेल डिस्कशन चेक कर लेते हैं। पहले देखते हैं फेसबुक। फेसबुक जो इसमें जो इसका फेसबुक इसमें ऑप्शन में नहीं था, फेसबुक मतलब सी जो है IAS का एग्जाम्पल नहीं है। तो अब फेसबुक है क्या इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यूकेलिप्टस क्या है, ओपन नेबला क्या है और माइक्रोसॉफ्ट एजर्स क्या है, इसके बारे में हो सकता है अगली बार क्वेश्चन पेपर में इस तरह से नहीं आए, क्वेश्चन दूसरी तरह से पुटअप्स हो सकते हैं। तो उसको भी मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है, जिससे जो स्टूडेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका पेपर में सही तरह से उस क्वेश्चन को वो सही कर पाए। ओके, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फेसबुक। फेसबुक क्या है? फेसबुक इज अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। फेसबुक क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो 2004 में रिलीज किया गया था और ऑपरेटेड बाय द सेकंड साइड इनकॉर्पोरेशन, जिसको सेकंड साइड इनकॉर्पोरेशन द्वारा संचालित किया गया था। फेसबुक क्या? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो फेसबुक पर भी कभी कुछ पूछ लेते कि व्हाट इज द फेसबुक, तो आपको समझ में आना चाहिए फेसबुक इज द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इनिशियल रिलीज इन 2004 एंड ऑपरेट बाय द सेकंड साइड इनकॉर्पोरेशंस। ओके, इट इज द वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सेस, SaaS मॉडल। तीन तरह के मॉडल्स थे जिसमें पहला जो तीन तरह के मॉडल उनको ही मैं डिस्कस करूंगा मॉडल जो थे। तो जो फेसबुक है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल की कैटेगरी में आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूकेलिप्टस एंड ओपन नेबला जो क्या है वो क्या है। यूकेलिप्टस एंड ओपन नेबला आर द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो अब आपके माइंड में ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे आ जाए। तो यूकेलिप्टस एंड ओपन नेबला आर द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स दैट प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IAAS। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि यूकेलिप्टस और ओपन नेबला जो है कैसे हैं आपके आपके इंफ्रास्ट्रक्चर IAAS का एग्जाम्पल है, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है और जो प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम करता है। प्राइवेट, अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इसके सारे डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे पेड क्लासेस में आपको है।
तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप हमें डिटेल क्लासेस के लिए, डिटेल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम समय में अच्छी स्टडी करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, हमारे एग्जीक्यूटिव से डिस्कस करके आपको बताएं किस तरह से आप इस एग्जाम को तैयारी कर सकते हैं। तो यूकेलिप्टस और ओकन नेमला ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो आपके IAS की फैसिलिटी प्रोवाइड, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट एजर। माइक्रोसॉफ्ट एजर एक क्लाउड ऑपरेटिंग सर्विस है क्रिएटेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इन 2010 में, 2010 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। एजर ऑफर द थ्री मेन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, जो एजर माइक्रोसॉफ्ट एजर है वो आपकी तीनों कैटेगरी जो है आपकी सर्विस की, ये तीन कैटेगरी है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की फुल फॉर्म भी आप नोट कीजिए, और तीनों कैटेगरी में काम करता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग IaaS का बेस्ट एग्जांपल क्या है। अब IaaS का बेस्ट एग्जांपल जो है आपके दोनों फर्स्ट और सेकंड जो बेस्ट एग्जांपल थे, मगर एजर जो है वो तीनों कैटेगरी में काम करता है, मतलब सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये भी है, तो तीनों ऑप्शन सही है, ए बी और डी तीन ऑप्शन के सही है। अब आगे देखते हैं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता क्या है और इनके अलावा जो अभी क्वेश्चन पूछा गया, इनके अलावा और कौन कौन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उनके एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो वो भी देखते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इज द बेसिक लेयर ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। अब इसका जो टॉपिक, जो मेन टॉपिक है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है, उसकी तीन सर्विसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, आपके सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और आपका तीसरा था, तीन तरह के मॉडल से, तीनों मॉडल में पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। देख सकते हैं IaaS इज द वन ऑफ द लेयर ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म वेयर इन द कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्सेस इट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज द सर्वर, नेटवर्किंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, वर्चुअल मशीन एंड अदर रिसोर्सेज। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो है वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल का एक एग्जांपल है, जो क्या करता है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जगह प्रोवाइड करता है, किसके फॉर्म में, सर्वर की फॉर्म में, नेटवर्किंग की फॉर्म में, प्रोसेसिंग की फॉर्म में, स्टोरेज की फॉर्म में, वर्चुअल मशीन की फॉर्म में एंड अदर रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रोवाइड करता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कस्टमर्स एक्सेस दीज रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट और दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म ऑन द पे पर यूज मॉडल, मतलब पे पर यूज, इसको पे करके यूज इसके मॉडल को यूज कर सकते हैं। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए मॉडल, इस मॉडल को हम HaaS हार्डवेयर एज ए सर्विस भी कहते हैं। अब पेपर में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि IaaS को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो IaaS को दूसरे हम किस नाम जानते हैं, हैस हार्डवेयर एज ए सर्विस के दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो इस पे भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट आया, अब कॉमन एग्जांपल कौन कौन से हैं, कॉमन एग्जांपल सारे एग्जांपल इसके नोट कर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम्स, क्या डिजिटल ओशन, लिनोड, रैक स्पेस, अमेजन वेब सेवाएं सर्विस, सिस्को मेटापोर्ट, माइक्रोसॉफ्ट एजर, यूके लिप्टस, ओपन नेवला, गूगल कंप्यूट इंजन, मतलब गूगल कंप्यूटर GCS, ये सारे इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं कॉमन। तो एग्जांपल जो है वो भी आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं कि IaaS के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर के कौन से एग्जांपल हैं और प्लेटफॉर्म्स के, जो तीन टाइप्स थे क्लाउड कंप्यूटिंग के, तो सारे एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपको केवल, अब आपको इसी पैटर्न पे आपको पूरा जो हम BSc Academy ने जो UGC NET, JRF SET, NVS सारे जो पेड कोर्स बनाए हुए हैं उनमें डिटेल डिस्कशन किया है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट स्टडी करना है, अपन को पूरी बुक्स नहीं पढ़नी, टू द पॉइंट पढ़ना है कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और अपकमिंग एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपके माइंड में जो बात समझ में आ गई
तो आप इस एग्जाम्स को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बीएसए एकेडमी के लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में सारे जितने भी जो नेट जीआरएफ क्वालिफाइड टीचर्स हैं जैसे, तो उन्होंने कोर्स पूरा क्रिएट किया हुआ है और इसमें एक एक बारीकी से सारी चीजें बताई हुई है। ओके, लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे और कौन से है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स थे उनमें तीन तरह के मॉडल्स थे, एक तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और थर्ड आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तीन जो मॉडल थे, अब क्वेश्चन पेपर में कभी कभी पूछा जाता है, जैसे अभी मेरा IaaS को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो आपने बता दिया उसको हम HaaS हार्डवेयर एज ए सर्विस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि SaaS, IaaS और PaaS जो है, HaaS, IaaS और PaaS, इनके बेस्ट एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको अभी IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के एग्जाम्पल्स आपको बताए। अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सब देखते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में सर्विस प्रोवाइड करना, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है इन विच द एप्लीकेशन आर द होस्टेड बाय द क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स एंड मेड अवेलेबल टू द कस्टमर ओवर द इंटरनेट। सॉफ्टवेयर जो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल जो है उसका सॉफ्टवेयर के एक वितरण मॉडल है, जो क्या करता है सॉफ्टवेयर की फॉर्म में फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल्स, इसको हम ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब SaaS इज द एक्सेस बाय द यूजर यूजिंग द थिन क्लाइंट बाय द वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर के द्वारा और क्लाइंट को इसके द्वारा इसको एक्सेस किया जाता है। अब बेस्ट एग्जांपल देखो, बेस्ट एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बेस्ट एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल बता दिए, गूगल वर्क स्पेस, ड्रॉपबैक्स, सेल्सफोर्स, सिस्को वेबएक्स, कॉन्कर, गो टू द मीटिंग एंड फ्रेश बुक, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर या सर्विस के कौन से एग्जाम्पल्स हैं, आपके आपके जो आपके दूसरे भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के कौन से एग्जाम्पल हैं और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, इनकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है और एक दूसरे से लिंक करके किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब जो प्लेटफॉर्म की फॉर्म में आपको सर्विस प्रोवाइड करना, कैसे प्लेटफॉर्म द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इज द डेवलपर प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म विच इज द क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर टू डेवलप, टेस्ट, रन एंड मैनेज द एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करना, बनाना, उसको टेस्ट करना, उसको चलाना, उसको मैनेज करना, इसके फॉर्म में अगर कोई भी जगह या प्लेटफॉर्म दिया जाता है तो उसको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की हम मॉडल बोला जाता है। अब इसको देखते हैं, PaaS जो है PaaS एक्सटेंड एंड एब्स्ट्रैक्ट द IaaS लेयर बाय द रिमूविंग द हैसल ऑफ द मैनेजिंग द इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन्स। क्या है, व्यक्तिगत आवासीय मशीन के प्रबंधन की परेशानियों को दूर करने के लिए PaaS IaaS पद का विस्तार करके इसको बनाया गया था। इसकी इतनी डिटेल में जाना तो आपके समझ में आ गया, प्लेटफॉर्म की फॉर्म में फैसिलिटी देना प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में फैसिलिटी देना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में फैसिलिटी देना सर्विस प्रोवाइड करना इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को बोलते हैं। अब प्लेटफॉर्म सर्विस के बेस्ट एग्जाम्पल्स क्या है, AWS इलास्टिक बीन स्टॉक, विंडोज एजर, Oku, Force.com, Google F Engine, Apache Stratus, OpenShift, ये सब नाम आपको ऐसे ही याद करने हैं क्योंकि पेपर में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखा एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, अब आपको देखते हैं। अब मैंने आपको छोटा सा एक क्वेश्चन को देखते हुए मैंने इसकी थ्योरी आपको समझाई, आपको थ्योरी के हिसाब से अपकमिंग एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा था उसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा गया, उसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है, एक दूसरे को लिंक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कई सारे क्वेश्चन इनमें से आपके बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में मैंने आपको इतना बताया और बीएसए अकेडमी में आपके NTUEC नेट, GRF, SET, DSSP, KVS, NUS लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट सीरीज हैवी डिस्काउंट के साथ प्रोवाइड की जा रही है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है उस पर हमें कॉन्टेक्ट करें, आप हमें
हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे किस तरह से आप इस बीएस एकेडमी के इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और कम समय में लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस में अपनी बेहतरीन कैरियर की एक शुरुआत कर सकते हैं। ओके, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आइए, आप नंबर पर आके चाहे आप भले इन कोर्सेज को लो या ना लो, हम आपको पूरा गाइड करेंगे हाउ टू प्रिपेयर द दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, और किस तरह से एक बेहतरीन फ्यूचर आप इस लाइब्रेरी एंड साइंस सब्जेक्ट में अपने आप को फील करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सब्जेक्ट में तो कुछ दम ही नहीं है, सब्जेक्ट कुछ हो नहीं पाएगा, हम तो घर पे बैठे हैं, जबकि प्यारा सब्जेक्ट है, हर जगह इसकी डिमांड है, हर जगह इसकी वैकेंसीज आती है, आप इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको फिर मिलूंगा एक अच्छे से एमसीक्यू एक थ्योरी लेक्चर्स के साथ, आपको फिर मैं एक नए लेक्चर से रूबरू हुआ, तब तक के लिए गुड बाय। और कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट करें, शेयर करें, बीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे जो स्टूडेंट लाइब्रेरी में साइंस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करें और एक अच्छे बेहतरीन भविष्य की शुरुआत करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।